हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th मैथ। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का वन है, मैं इससे पहली वीडियो में उसे पढ़ा चुका हूं। यदि वह वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, ना तो हमें लंबाई का पता, ना ही हमें क्या का पता, चौड़ाई का, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमने माना क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही खंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो क्या मान ली हमने, एक्स मीटर। हमने एक्स मीटर मान ली। देखो, जो चीज छोटी होती है ना उसे मानना चाहिए जल्दी। देखो, उसमें कहा गया कि जो लंबाई है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। मैंने कहा कि जो मोहन है, मोहन के पास बराबर दूसरा व्यक्ति सोहन, ठीक है। तो जो मोहन मोहन के पास यदि एक रुपया है, तो सोहन के पास ना दो गुणे से एक अधिक है, तो दुगुना कितना होगा, दो गुणा एक, और दो गुणे से कितना अधिक है, एक। तो सोहन के पास कितने होंगे, तीन। उसके बाद मैं कहूँ मोहन के पास कितने हैं, दो रुपए हैं, तो सोहन के पास कह जा रहा है कि दुगुने से एक अधिक है। तो दुगुने से एक अधिक कैसे करेंगे, दो गुणा और दो की मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 = 5। तो ऐसा बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो चौड़ाई से, जो चौड़ाई है वह छोटी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चौड़ाई मानते हैं। तो चौड़ाई मान लेते हैं, लंबाई को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई, जो लंबाई है वह दुगने से, तो आप लोगों की चौड़ाई 1x है, तो दुगुना कितना हो जाएगा, 2x, और दुगुने से कितनी अधिक, एक अधिक। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे मीटर में। यानी कि आयताकार खेत आप लोगों का ऐसा है, ऐसा आयताकार खेत है, तो ये वाली लंबाई है और ये चौड़ाई है। यदि चौड़ाई कितनी है हमारे पास में x, तो ये लगभग लगभग इतनी बैठेगी यहाँ पे ना, ठीक है, ये दुगुने से एक अधिक होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की लंबाई बैठेगी, तो लंबाई हो जाएगी लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगने से एक अधिक, ये आप लोगों की लंबाई होगी। अब आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसा एक आयताकार भूखंड, जैसे प्लॉटिंग होती है, प्लॉट कटते हैं ना, लंबाई ज्यादा ली जाती है, चौड़ाई उनकी कम ली जाती है, तो ऐसा एक आयताकार भूखंड है, ठीक है ना, उसकी जो चौड़ाई वह कम है और लंबाई दुगने से एक अधिक। तो हमने क्या कर लिया, ये मान लिया। अब इसका जो क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल कितना है इसका गिवन, आप लोगों को 528 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल गिवन है इसका। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में बोलेगा, प्रश्न में बोलेगा आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल है ये गिवन आप लोगों को, एक हमारे पास होता, दोनों बराबर रख लेते हैं। हमारे पास क्या होता, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर किसके हो जाएगा, 528 के। लंबाई का मान कितना हमारे पास में, 2x + k1 गुणा चौड़ाई कितनी है, x मीटर, बराबर कितना, 528। अब क्या करना हमें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो,
x इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर x इंटू x करेंगे, देखो इसका गुणांक कितना एक, तो दो ही कम दो और x x गुणा करें, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमने करा इसकी गुणा होगी, फिर यहाँ इसने इसके साथ गुणा करी, एक ही कम एक एक्स, और यहाँ आपका प्लस का इसे दर ले आओ, क्या का हो जाएगा ये माइनस का बराबर जीरो। अब क्या करना होता, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता उसकी मल्टीप्लाई हम जो अचर पद होता है उसके साथ में करते हैं, तो ये जो दो हो दो की गुणा हम करते हैं इसके साथ में, यानी कि इसकी गुणा यहाँ पे होगी इसके साथ में। तो जब हमने गुणा की, देखो गुणा करेंगे हम, दो अट्ठे सोलह, सोलह कितना होता छह, हासिल लगा हमारे पास में एक, दो दुनी चार और एक हासिल का पांच, दो पंजे दस, हमारे पास आ एक हजार छप्पन। अब क्या करना, जो एक हजार छप्पन, एक हजार छप्पन के ऐसे टुकड़े करने हैं, ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पे जब गुणनखंड करते हैं आप लोगों को ये चिन्ह देखना होता, तो जो घटा का आप लोगों का एक एक्स, एक एक्स आ जा, एक हजार छप्पन के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटा कितना आ जा एक एक्स आ जा। इसमें कोई डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि गुणनखंड कैसे करने हैं, जो आपके पास ये है एक हजार छप्पन, इस बंदे को यहाँ पे रखना और दो से काटना शुरू, इसे दो बंदे मिलकर क्या करो पिटो, जब आप लोग इसे पीटना शुरू करोगे ना या काटना शुरू करोगे तो ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा गुणनखंड क्या है मेरे, ठीक है ना, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। तो दो से काटना शुरू करा, दस के आधे कितने हो गए भाई पांच, और छप्पन के आधे अट्ठाईस, दो से फिर हमने काटा बावन के आधे कितने हो गए छब्बीस, और आठ के आधे चार, फिर दो से काटा छब्बीस के आधे कितने होते हैं तेरह, और चार के आधे दो, फिर इसे काटा तो दो छक्की बारह, एक सौ बत्तीस के आधे छियासठ, फिर इसे काटा तो कितना हो गया तैतीस, तो ये टुकड़े हो जाते हैं। देखो अब गुना करके देखते हैं, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, तो यदि मैं तैतीस गुणा बत्तीस करूं तो कितना होगा हमारे पास में एक हजार छप्पन। यदि मैं तैतीस एक्स में से बत्तीस एक्स घटाऊं तो मेरे पास बचेगा एक एक्स। मुझे ये करना था, मैंने जो इतनी मेहनत की, यानी कि हम इतनी मेहनत कर रहे थे इस एक एक्स को लाने के लिए कर रहे थे, तो एक एक्स आ गया हमारे पास में, तैतीस माइनस बत्तीस बराबर एक एक्स। तो जहां भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या करेंगे तैतीस माइनस बत्तीस रख देंगे, ठीक है ना। अब देखो तो दो एक्स झुका तू प्लस ये वाला जो एक्स यहाँ पे मैंने रखा तैतीस एक्स माइनस बत्तीस एक्स माइनस पांच सौ अट्ठाईस बराबर जीरो। अब करना क्या हम, तब हम ये गुणनखंड हो जाते हैं, यहां तक हम कोमल लेना स्टार्ट करते हैं, कोमल लेते हैं या तो आप डायरेक्ट इसमें से कोमल ले लो, या इसे आप लोग एक बार तोड़ सकते हो, और भी तोड़ते समय में क्या करना, जो हम ये दो से टूट नहीं सकता, तो एक्स इंटू एक्स, ये देखो यहाँ पे गुणा हुई थी, तो यह हो जाएगा टू एक्स इंटू एक्स, फिर तैतीस तैतीस का तैतीस इंटू एक्स, फिर अब देखो यहाँ पे दो एक्स बनाना, क्योंकि एक्स को मना आ जाएगा यहां से, इधर बचेगा दो एक्स, तो दो एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे दो एक्स इंटू सोलह, सोलह दूनी बत्तीस। अब आते हैं पांच सौ अट्ठाईस के टुकड़े, तो पांच सौ अट्ठाईस के टुकड़े आपके सामने, इस वाले पद को छोड़ दो, ये रहे टुकड़े एक दो तीन चार, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो पांच सौ अट्ठाईस के टुकड़े होते हैं सोलह गुना तैतीस, यदि सोलह गुना तैतीस करोगे देखो सोलह कम सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, सोलह ती अड़तालीस, अड़तालीस का आप लोगों का अतः आठ हासिल लगे चार, सोलह ती अड़तालीस, अड़तालीस और चार बावन, तो आपका पांच सौ अट्ठाईस, तो पांच सौ अट्ठाईस के टुकड़े बनाएंगे सोलह गुणा तैतीस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस सोलह गुणा तैतीस बराबर जीरो। अब क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलना, हम कॉमन लेना, कॉमन बोलोगे जो आपको दोनों तरफ दिखाई देगा, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से कॉमन लेना हम। अब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे मुझे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, अंदर क्या बचे ये वाला 2x, ये प्लस का चिन्ह और ये 33। अब आते हैं इधर, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉमन दिखता, आपको एक खास बात का ध्यान रखना होता है, यदि आप लोग जो इस ब्रैकेट में बचेगा सिमिलरली आप जो दूसरा ब्रैकेट होगा ना उसमें भी सेम बचना,
चिन्ह भी आप लोगों का सेम होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सेम जो इस ब्रैकेट में होता है। यदि आपके ब्रैकेट में अलग अलग बचता आप गुणनखंड कर रहे हो तो आपका जो सवाल हो गलत हो जाता है। अब हमें क्या करना, देखो 16 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 16 यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, अंदर प्लस का चिन्ह तो माइनस बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल सारा माइनस हमने क्या ले लिया बाहर, यहाँ से माइनस का थोड़ा, यहाँ से माइनस का 16, दोनों तरफ से 16 बाहर लिया तो अंदर बचा 2x, ये आप लोगों का प्लस होगा क्योंकि माइनस सारा का सारा मैंने क्या ले लिया बाहर। यदि किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा तो आप लोग माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं यहाँ पे प्लस, ये देख लो, फिर इन दोनों में से एक कॉमन, 2x प्लस के 3 और फिर यहां से x माइनस के 16 बराबर 0। अब क्या करना है, हम x बराबर 0 रखते हैं, यहां पे देखते हैं ना, यहां से हमने क्या, जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x ये आप लोग का माइनस का इधर मारते फेंक का, सॉरी ये प्लस का इधर मारा फेंक का, क्या का हो गया माइनस का, ये दो गुणा में कहाँ चल जाएगा भाग में, हो जाएगा 33/2। फिर ये वाला उठाते हैं हम यहाँ से ही, जब x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर प्लस के 16, तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है सर असंभव नकार दिया जाता है, असंभव ये वैल्यू नकार दी जाती है द्विघात में, द्विघात समीकरण में जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो नकारात्मक वैल्यू आती है उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का ये भूखंड इसका क्षेत्रफल माइनस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं माइनस वाली जो वैल्यू उसे नकार देते हैं, तो जो हमारा मान है एक्स का वो आता है 16। तो अब देखते हैं चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 16। अब हम क्या करते हैं लंबाई कितनी होगी, 2 का तो एक्स का मान है हमारे पास 16 प्लस 1, तो 16 × 32 और 1 = 33, तो इस प्रकार हम निकाल के दिखाएं। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोगों का इसका खंड नंबर 2 देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का खंड नंबर 2 आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आप लोगों का कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है, तो आप लोगों को पूर्णांक ज्ञात करने हैं, पूर्णांक को क्या करना है ज्ञात करना है। तो धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहला आप लोग धनात्मक पूर्णांकों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, सबसे पहला आता है कर्मागत पूर्णांक, कर्मागत पूर्णांक, कर्मागत पूर्णांक होता है पहला होता है एक्स, फिर होता है एक्स प्लस के 1, फिर होता है x प्लस के 2, फिर होता है x प्लस के 3, फिर होता है x प्लस के 4, फिर x प्लस के 5, फिर होता है x प्लस के 6। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये पूर्णांक है कर्मागत पूर्णांक, इनमें से कुछ होते हैं धनात्मक पूर्णांक और कुछ होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यदि आपसे पूछे जा कर्मागत, कर्मागत धनात्मक, धनात्मक या कह जा सम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा एक को छोड़कर एक, तो पहला आप लोगों का पहला तो x ही होगा, फिर दूसरा होगा आप लोगों का इसमें x प्लस 1, फिर इसमें ये छोड़ दिया जाएगा, फिर आएगा x प्लस 3, फिर आएगा x प्लस 5, फिर आएगा x प्लस 7, ठीक है, ये हो जाएगा। यदि आपसे कहे जाए कर्मागत विषम धनात्मक, विषम धनात्मक पूर्णांक, यहां पे सम बोल लगा या आपको धनात्मक कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बोल लगा, यहां बोल ले जाएगा आप लोग कर्मागत विषम धनात्मक। यदि विषम धनात्मक कहे जा तो पहला तो x होगा और दूसरा होगा x प्लस 2, फिर होगा इसमें x प्लस 4, फिर होगा x प्लस 6। तो ये आप लोगों के पूर्णांक होते हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने, जो आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बैठते हो तो आप लोगों के पूर्णांक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद रखना। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। माना पहला पूर्णांक एक्स
अब सॉरी, अब हम मानना नहीं, अब हमें क्या करना, निकालना। दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब प्रश्न अनुसार चलते हम, प्रश्न अनुसार प्रश्न में कह जा रहा कि पहला जो पूर्णांक है जो दूसरा है, यदि दोनों की मल्टीप्लाई कर जाए, यानी कि पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर आप लोगों के पास आएगा 306। अब देखो फर्स्ट जो पहला पूर्णांक हो कितना हमारे पास में x, सेकंड कितना हमारे पास में x प्लस वन, और बराबर किसके होंगे 306 के। अब मैंने मल्टीप्लाई करी x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और x गुणा हम एक के साथ करें, एक ही कम एक एक्स, और ये आप लोगों का प्लस का इसे धर्मारोह फेंक का, इस भाई जी को थोड़ी सी चोट लग जाएगी तो थोड़ा सा लिए क्या हो जाएगा माइनस का, इसका चिन्ह बदल जाएगा। एक बार पुनः इसे दरबार में फेंकते हैं, क्या क्या हो गया माइनस का। अब क्या करना हम यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आगा 306। 306 के ऐसे टुकड़े जो घटाक कितना आ जा एक एक्स आ जा, 306 के ऐसे टुकड़े जो घटाक क्या आ जा एक आ जा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह। तो अब देखते हैं 306 को यहाँ रखते हैं, वही अपना पुराने वाला फंडा, हमें क्या करना 306 को रखना, इसकी पिटाई करनी शुरू, ठीक है ना। चिल्ला चिल्ला बताएगा गुणनखंड क्या, आपको कंफ्यूजन जरा सा रखना, इसे पकड़ा और इसे मार दी 200, जब 200 हमने काटा तो 30 के अड्डे कितने हो गए 15, 6 के अड्डे हो गए 3। अब ये क्या है 300 कटेगा, 300 कटा 3 5 15, 3 1 3। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा आप लोगों का 300, 3 1 3 3 7 21 हो गए गुणनखंड, 3 3 9 9 2 18। यदि मैं करूं 18 गुणा 17 तो मुझे मिलेगा 306। यदि 18x में से मैं 17x घटाऊं तो मुझे मिलेगा 1x, तो इस 1x की जगह, इस 1x की जगह मुझे रखना 18 माइनस 17, इस 1x की जगह इस भाई साहब के, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और हम मेहनत करने में कामयाब हुए। अब हम इस 1x की जगह क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखा 18x माइनस 17x, ये वाला माइनस का चिन्ह झुका तो, और 306 बराबर 0। करना क्या, अब हमें कोमल लेना, कोमल लेते समय हमें क्या करना, इसे तोड़ दो, x गुणा x में तोड़ दिया, इसे हमने लिखा 18 गुणा x, और इसे लिखेंगे 17 गुणा x माइनस का चिन्ह। तो 306 को क्या लिख सकता हूँ, 18 गुणा 17, ये पहले से टुकड़े आए मेरे पास में, तो 18 गुणा 17 बराबर 0। अब क्या करना, कोमन लेना, कोमन वही होगा जो दोनों तरफ दिखाई देगा आप लोगों को, दोनों तरफ हमने देखा बाबूजी एक्स इधर भी है, एक्स इधर भाई साहब भी बैठे हैं, ये दोनों तरफ इनका इनका इन्विटेशन कार्ड दोनों तरफ पहुंचाया, दोनों ही घर खाना खाने के लिए आ गए। अब इन्हें क्या करना, बाहर निकालना, चलो भाई आपने जब खाना खा लिया दोनों जगह तो आप बाहर आ जाओ, तो इन्हें बाहर लिया हमने, अब अंदर कौन बचा है यहाँ पे x, ये प्लस का चिन्ह और ये 18। अब इधर देखते हैं, इधर कौन है, दोनों तरफ मिक्स हो रखा है, माइनस का 17 इधर भी और माइनस का 17 इधर भी है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे x प्लस 18 बचा, तो यहाँ भी आप लोगों को ब्रैकेट में x प्लस 18 ही बचाना, तो माइनस की जो वैल्यू से बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस, या आप लोग समझ लो कि जो माइनस का है ये हमने सारा का सारा बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया आप लोगों का प्लस का बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन, क्योंकि ये फिर 2 हो गए, और ये वाला x और ये माइनस का 17 बराबर 0। अब हमें क्या करना, इनके बराबर 0 रख दो, जब x प्लस 18 बराबर 0, तो ये आप लोग 18 प्लस का से उधर हमारा फेंक का क्या हो गया माइनस का, माइनस का मान असंभव असंभव नकार दे जाता। अब हम क्या करते हैं, जब x माइनस 17 बराबर 0, तो आप लोग क्या करोगे 17 को उधर मारो फेंक का, तो ये क्या क्या हो गया माइनस का, आपको मिला x प्लस 17। अब हमारी रहा कोई भी खतरा, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे आप लोगों का। अब पहला धनात्मक पूर्णांक आप लोगों का क्या है, यहाँ पे 17 है,
तो आपका एक्स का मान कितना आया 17, 18 गलत है क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है। अब दूसरी वाली वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्स का मान 17, 17 में एक जोड़ा 18, तो आप लोगों का 18 आंसर हो जाएगा। अब हम इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में है रोहन की माँ, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। एक बार पुनः क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रीड करोगे, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यदि उनकी आयु का गुणनफल, यदि उनकी आयु का अब से 3 वर्ष बाद का जो गुणनफल वह 360 हो जाता है तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों को जो एज वाला कंसेप्ट हो अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। एज में क्या होता है, एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं यदि आपको उसमें पूर्व लिखा मिलता है तो पूर्व के लिए हम माइनस, यदि हमें मिलता है पहले तो पहले के लिए भी हम क्या करते हैं माइनस, फिर यदि हमें बाद मिलता है बाद के लिए प्लस, और पश्चात मिलता है तो भी प्लस का ही प्रयोग करते हैं हम। अब यदि मैं कहूं कि आप लोग के दो व्यक्ति हो, यहाँ पे कितना है रोहन और यहाँ पे कितना है रोहन की माँ, तो जो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो छोटा होता है उसकी एज मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो रोहन, यदि मैं रोहन की जो एज है, मैंने कहा कि रोहन की एज मैंने मान ली 5 वर्ष, रोहन की एज कितनी है 5 वर्ष, तो जो रोहन की माँ वो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो हम क्या करेंगे 5 + 26, तो रोहन की माँ कितनी हो जाएगी आप लोगों की, जोड़ो ये आप लोगों की हो जाएगी 31 वर्ष की। अब यदि मैंने कहा कि रोहन की जो एज है x मान ली, तो रोहन की माँ की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि यदि 5 थी तो 5 में 26 जुड़ा था, यदि मैंने x मान ली तो अब कितना जुड़ा हुआ x में 26 जुड़ा हुआ, ये तो एज है। फिर हमने कहा 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद की बात करूं मैं, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगा, यदि रोहन की एज यहाँ पे पहले वाले स्टेप में कितनी है 5 है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी 3 जुड़ जाएगा इसमें। फिर रोहन की माँ की आयु कितनी थी 31, और इसमें 3 जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी हमारी ये 34 हो जाएगी। यदि मैं इसी स्टेप की बात करूँ, रोहन की एज कितनी थी x, यदि 3 वर्ष बाद जाऊँ मैं तो कितनी हो जाएगी x प्लस 3, 3 इसमें जुड़ेगा और 3 इसमें जुड़ जाएगा, x प्लस 26 में 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर x प्लस 29, आपको 29 देखने को मिला। तो यदि 3 वर्ष बाद, तो यदि आप लोग एज का कंसेप्ट में जितने वर्ष आप बच्चे में जोड़ते हो उतने ही वर्ष उसकी माँ में भी जोड़ने होते हैं, यानी कि आप लोग एज में बराबर घटाओगे और बराबर ही क्या करोगे जोड़ोगे, ऐसा नहीं होने का कि रोहन माँ अपना 3 जोड़ दे रोहन की माँ में 3 नहीं जोड़े, ठीक है, या रोहन में आपने 3 नहीं जोड़े रोहन की माँ में जोड़ दिए। तो आपको जब एज होगा सवाल कर रहे होंगे आप, तो जो रोहन है या कोई भी व्यक्ति देगा दोनों में आप लोग डिफरेंस भी बराबर करोगे, यानी कि जोड़ोगे बराबर घटाओगे बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, अब लिखते हैं रोहन की माँ की वर्तमान आयु वर्तमान आयु हो जाएगी। अब देखो कितनी वर्ष बड़ी है रोहन से 26 वर्ष, तो 26 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि बढ़िया। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे, प्रश्न में कहेगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 जोड़ दिया जाएगा, तो रोहन की आयु पहले कितनी थी x, अब कितने वर्ष बाद की बात चल रही 3 की, तो बाद के लिए हमें क्या करना है जोड़ना है जितना भी होगा, यदि वो 400 वर्ष बाद कहता है तो 4 जोड़ते, 5 वर्ष बाद कहता है तो 5 जोड़ते, जितना भी हो देगा। फिर हम लिखते हैं यहां से 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु x प्लस, देखो पहले 26 है, 26 में 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
29। तो यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप लोगों को अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न कहते हैं प्रश्न अनुसार प्रश्न में बोला कि 3 वर्ष बाद की जो आयु का गुणनफल है इसका और इसका, 3 वर्ष पहले वाली का नहीं वर्तमान का, जो आप लोगों की 3 वर्ष बाद वाली आयु इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल एक्स प्लस 3 गुणा एक्स प्लस 29 बराबर 360 हो जाता है। अब सबसे पहले गुणा करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जब हमने गुणा करी, इसकी गुणा यहाँ करी तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हमने इसकी गुणा यहाँ पे करी, ये हो जाएगा 29x। अब इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3 की गुणा 29 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बराबर 360। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर तो झुका तू, 29x और 3x, 29 और 3 कितने होते हैं 32 प्लस 87, ये आपका प्लस का, इस भाई साहब को उठाओ और यहाँ मारो फेंक का, ये थोड़े से नाराज हुए और माइनस के हो गए, थोड़ा सा नखरा, क्योंकि आपने उठा के दरवाना ना फेंक कर तो इसलिए नखरा थोड़ा सा, टेंशन लेने कोई बात नहीं, मान जाएंगे थोड़ी देर में। तो एक्स, अब हमें क्या करना, 360 में से 87 घटा दिया आप लोगों ने, तो हमारे पास जो बचता वो लिख लेते हैं हम, 360 में से जब हम 87 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 273, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड करने है, क्या करने हैं गुणनखंड, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो 273 के ऐसे टुकड़े के घटाकर कितना आ जा 32, ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, 273 भाई साहब को पकड़ो, इसकी दावत करो, ये अपने आप बताएगा कि टुकड़े क्या, क्योंकि दावत तो जब जाओ दावत हो जाए ना किसी की तो अपने आप ही टुकड़े बताओ। तो यहाँ पे देखा 273 भाई साहब को लपेट दो, अब क्या से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 27 3 × 3 फिर किस से कटेगा भाई, 13 से कट जाएगा, 13 × 7 = 91 हो गए गुणनखंड, नहीं 13 × 1 = 13 13 × 2 = 26 13 × 3 = 39 यदि 39 गुणा में 7 करूं तो मुझे मिलेगा 273। उसके बाद यदि मैं 39 में से मैं लिखूं 39x और माइनस के 7x तो मुझे कितना मिलेगा 32x। और इसके लिए हमने क्या करी, बहुत मेहनत, इस सब भाई साहब की दावत करनी पड़ी इसके लिए सिर्फ, तो ये हमें 32 प्राप्त हो गया। एक बार पूर्ण है 39 − 7x हमें कितना मिला यहाँ पे 32x। अब हम क्या करेंगे, इसे कहोगे भाई तू घर जा घूमने के लिए, इसकी जगह हम रखेंगे 39 − 7x, तो रखते हैं एक्स स्क्वायर, 32x की जगह रखा 39x − 7x और 273 = 0। फिर हमने क्या किया, इसे तोड़ लिया, तो एक्स को मैं ज्यादा ज्यादा एक्स इंटू एक्स में तोड़ सकूं, 39 को क्या में तोड़ सकूं, 39 × x में इसे क्या लिख सकूं 7 × x, 273 भाई साहब के टुकड़े तो है हमारे पास में, इसे 39 × 7 में तोड़ दिया बराबर 0। अब क्या करना, हमें कॉमन लेना है, कॉमन ध्यान से लेना वरना फिर नाराज हो जाएंगे। एक्स भाई साहब यहाँ भी दावत में और यहाँ भी दावत में, इन्हें भाई साहब की टांग पकड़ी और बाहर खींच दिया, ये बचे एक्स यहाँ पे एक और यहाँ पे बचा 39। अब आपको क्या दिखाई दे रहा, यहाँ पे प्लस बचा तो प्लस बचाने के लिए माइनस का 7 और माइनस का 7 दोनों ब्रैकेट में से बाहर लिया, माइनस के साथ यहाँ भी है और माइनस के साथ यहाँ भी है, तो एक्स तो ये बचा आपका एक्स, ये माइनस बाहर चलेगा तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 39 बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन एक्स प्लस 39 और यहाँ आपका एक्स माइनस का 7 बराबर 0। तो जो आपका थोड़ा बचा हुआ ऐसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं आया, एक्स प्लस 39 बराबर 0 तो एक्स बराबर जो एक्स इस पर हमारो फेंक का तो क्या का हो गया माइनस का, असंभव असंभव, इसे नहीं छेड़ना बिल्कुल, ये माइनस वाला नाराज हो जाएगा। अब क्या करना,
थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ सब। जब एक्स माइनस सात बराबर जीरो, इस पर हमारा फेंक का, तो ये माइनस का था, क्या का होगा प्लस का, तो एक्स बराबर आपका कितना आया, सात आया, तो हम लिख सकते हैं अतः रोहन की वर्तमान आयु सात वर्ष, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है भाई बच्चों, माँ की आयु, और मुझे विश्वास आप लाइक जरूर करके जाओगे और सब्सक्राइब भी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे सात, एक्स की वैल्यू हम रख देंगे सात प्लस छब्बीस बराबर, छब्बीस में सात जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तेरह, तैतीस, तो आप लोगों की माँ की आयु हो जाएगी तैतीस वर्ष। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं एक बार, रोहन की सात और माँ की जो एज आई वह होगी तैतीस वर्ष। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है ये हल हो जाता है। अब जो आप लोगों का इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो आपको वीडियो को भी छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाला सवाल आने वाला, रेलगाड़ी आने वाली है, वेट करो थोड़ा सा। दो का खंड नंबर चार, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक बार पुनः है, एक बार फिर से, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रेलगाड़ी के बारे में बताना चाहिए, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन है कैसा होते हैं सवाल। अब देखो आपके पास में रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल एक समान है, बिल्कुल क्या है, एक समान, एक समान, एक समान सब कितनी दूरी तय कर रही, वहां 480 किलोमीटर। कहने का अभिप्राय है यदि इसकी चाल स्टार्टिंग में आप लोगों की यहाँ पे 50 है, ये 50 तो दौड़ रही है और 50 तो दौड़ती 480, यानी कि 50 की स्पीड से यदि ये चल रही है और 50 की स्पीड से 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसे क्या करती है, तय कर लेती है। फिर क्या होता है, इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाती है, कम। अब कम कर दी तो हम जब 50 में 60 कम करेंगे कितना बचेगा हमारे पास में, 42। अब यह 42 किलोमीटर की चाल से चल रही कंटिन्यू, अरे कितनी दूरी तय करती है 480, अब क्या करती है 3 घंटे अधिक ले रही, 3 घंटे ज्यादा ले रही। अब देखो कितने घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। जब दूसरी बार आप लोग इसे क्या करते हो, चलाते हो, तो पहली बार में या 42 किलोमीटर की हिसाब से, मतलब आप लोग उदाहरण के रूप में 480 की दूरी तय करती है, 42 की स्पीड से 480 की दूरी तय करती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही कम कर देने से ये 3 घंटे क्या करती है, 480 किलोमीटर को तय करने में अधिक ले लेती है। अब हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टार्टिंग की जो चाल है एक समान चाल थी, हमने मान लिया कि एक समान चाल या एक्स है। अब क्या होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल कम कर दी जाती है, क्या कर दी कम, तो कम होने के बाद कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8, तो आप माइनस करोगे क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास में 50 था तो हमने 8 क्या करा कम, तो कितना बचा 42, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी, कुल दूरी, कुल जो दूरी आपको दी गई है 480 किलोमीटर, या दूरी है दोनों बार में यही दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है रेलगाड़ी। अब क्या करते हैं, जो भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे
चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। यानी कि यदि समय टी हो, दूरी क्या हो डी डिस्टेंस, और चाल क्या हो आपकी एस स्पीड, तो टी बराबर डी एस डी बटे एस, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में कहेगा आप लोग कि समय बराबर पैरा फॉर्मूला लिखो दूरी बटे चाल। स्टार्टिंग में पहली बार जो रेलगाड़ी है वह एक समान चाल से चलती है, ठीक है ना, तो वह समय क्या लेती है, हमने मान लिया कि पहली बार में जो समय लेती है वह टी वन लेती है, और दूरी कितनी तय करती है 480 की वह दूरी तय करती है, ठीक है ना। उसके बाद जो उसकी चाल है वो कितनी है एक्स। इसी प्रकार हम क्या करते हैं दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इसी प्रकार हमने क्या किया फॉर्मूला लगा हमने दूसरी बार कंडीशन में, समय जो दूसरी बार में ले रही वह टी टू समय लेती है, दूरी कितनी तय करती है 480, चाल कितनी है दूसरी बार में एक्स माइनस 8, तो ये समय हो गया। अब कुल समय हम निकाल लेंगे, कुल समय कि कुल समय कितना होगा। अब देखो कुल समय कितना होगा आप लोगों के पास में, अब देखो अधिक वाली, अब अधिक समय कौन लेती है ये वाली, यदि ये वाली रेलगाड़ी सपोज करो 5 घंटे ले रही और ये कितनी लेगी 3 घंटे अधिक ले रही, क्योंकि कितने घंटे अधिक ले रही 3, तो ये कितने घंटे लेगी 8 घंटे लेगी। यदि ये पहले वाली रेलगाड़ी किसी को 10 घंटे ले रही तो ये कितने घंटे लेगी 13 घंटे, क्योंकि 3 घंटे फालतू ले रही। तो यदि मुझे कुल समय निकालना तो कुल समय का अंतर कैसे निकाल लूं मैं, अधिक वाले में से कम घटामा 13 माइनस 10 बराबर 3, तो ये हमारे फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार पुनः है जल्दबाजी कुछ नहीं, ये वाली जो रेलगाड़ी है ये बहुत अधिक तेज चल रही है, ये कम लेती है 3 घंटे, और ये 3 घंटे क्या लेती है अधिक, तो यदि 10 चल रही है 10 घंटे ले रही तो कितने ले रही 13, तो यदि मुझे घटाना हो मुझे समय निकालना हो कि अंतर कैसे निकलेगा, तो मैं ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरा क्या ज्यादा समय या ले रही तो मैं क्या करूंगा टी टू माइनस टी वन बराबर किसके होगा टी के। अब हम क्या करते हैं मान रख लेते हैं टी टू का मान कितना 480 एक्स माइनस के 8, ये बड़ा माइनस का चिन्ह, टी वन का मान कितना 480 बटे एक्स, और टी का मान कुल समय कितना हमारे पास में 3 घंटे, बस हो गया सोल्व, यही आंसर हमारा। सोल्व कर लो, इसकी गुणा यहाँ करो और इसकी यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा मैंने यहाँ करी, ये हो गया 480 इंटू एक्स, और इसकी गुणा यहाँ करो, ये हमारा हो जाएगा 480 गुणा एक्स माइनस के 8, और इसकी गुणा यहाँ, ये हो जाएगा एक्स गुणा एक्स माइनस के 8 बराबर 3 घंटे, बटे में एक रख लो उसके। उसके बाद हम इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, गुणा करते हैं, ये हमारे पास में है 480 एक्स, ये माइनस का चिन्ह, स्टेप बाय स्टेप चलना, इसकी गुणा यहाँ करी तो ये हो जाएगा 480 एक्स, फिर माइनस और माइनस, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 की गुणा करते हैं, 8 की गुणा 0 के साथ करी तो 0, फिर 8 की गुणा 8 के साथ करी 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 32 और 6 38, और बटे इसकी गुणा यहाँ करो, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इसकी गुणा एक बार यहाँ भी करो तो हो जाएगा माइनस का 8x, और बराबर आप लोगों का मिलेगा 3 घंटे और बटे में इसके 1। अब क्या किया, इस 3 से भाग लगा दो, पहले तो 480 से 480 का, अब हमारे पास बचा 8x² माइनस का 8x बराबर 3/1, 3 से भाग लगाओ, यदि 3 से आप भाग लगा रहे हो सर, देखो 3 से यदि मैं भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा, भाग लगाएंगे जब हम, जब हम इसे भाग लगाते हैं ऐसा भाग लगा लो डायरेक्टली, 3 से भाग लगा, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 2, कितना बन गया 24,
तीन अट्ठे चौबीस, ये जो की दो जीरो, तो हमारे पास में जब हम इसे करेंगे तीन एकम तीन और यहाँ आ जाएगा बारह अस्सी। अब इसकी गुणा यहाँ और इसकी यहाँ, तो जब मैं एक की गुणा करूँगा ये हो जाएगा एक्स एकम एक्स स्क्वायर और आठ एकम आठ, और इसकी गुणा करूँगा बारह अस्सी, इसे इधर मारो फेंक का, ये आप लोग का हो जाएगा इधर आकर माइनस का बराबर जीरो। अब क्या करना हम, अब हमें करना चार सौ अस्सी के, चार सौ अस्सी के ऐसे टुकड़े कि जो घटाक कितना आ जाए हमारा आठ आ जाए, चार सौ अस्सी के ऐसे टुकड़े करने, घटाक कितना आ जाए आठ आ जाए। तो कुछ नहीं करना, इस भाई साहब को बुलाओ, स्पेशल थोड़ी सी दावत करनी इसकी, जैसे आप दावत करोगे सारी बात आपको बता देगा जो भी इसके गुणनखंड होंगे। तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, तो यहाँ देखो आप गुणनखंड हम यहाँ पे करते हैं, ये लिया आपने बारह अस्सी और इसकी दावत करो फुल, बारह के आधे छः और आठ के आधे चार, इसकी फिर दावत करी छः के आधे तीन, चार के आधे दो, इसकी फिर दावत करी बत्तीस के आधे सोलह, फिर इसकी दावत करी सोलह के आधे आठ, इसकी एक बार फिर दावत करी, कितना आ गया चालीस। अब क्या करना है, कर लो गुणा भाई, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस। यदि मैं क्या करूँ चालीस गुणा बत्तीस करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे बारह अस्सी, और चालीस में से बत्तीस घटाऊँ, यदि मैं चालीस में से बत्तीस घटा दूँ तो कितना मिलेगा चालीस एक्स माइनस के बत्तीस एक्स बराबर कितना मिलेगा आठ एक्स, हो गया सोल्व। अब हमें क्या का बचाना, लेकिन माइनस का बचाना, तो माइनस का जब हम बचाना होगा तो हम इसे प्लस कर देंगे, इसे क्या कर देंगे माइनस, यदि माइनस के चालीस में से बत्तीस घटाऊँ। आप लोग अच्छी तरीके से मैथ बहुत बढ़िया आता है मुझे पता, आपको पूरा विश्वास है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करा, माइनस के चालीस में से बत्तीस घटा तो किसका बचा माइनस का आठ एक्स, तो माइनस के आठ एक्स की जगह, माइनस के आठ एक्स की जगह हम रखते हैं माइनस का चालीस प्लस का बत्तीस, तो एक्स स्क्वायर, कन्फ्यूजन जरा रखना बिल्कुल भी, माइनस का चालीस एक्स प्लस का बत्तीस एक्स, देखो अभी भी आपके पास में झुका तो माइनस के चालीस में से बत्तीस घटाएंगे माइनस का आठ बचाएगा, माइनस बारह अस्सी बराबर जीरो, और सवाल बनेगा हीरो। अब एक्स आप लोगों ने क्या करा, कॉमन ले लिया, दो तीन बार मैंने सवाल में तोड़ कर दिखा, हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे, अब हम बड़े हो गए क्योंकि अब हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया, अंदर एक एक्स बचा था और ये माइनस का चालीस, यहाँ से मैंने क्या करा बत्तीस कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि बत्तीस, क्योंकि इसके अंदर भी बत्तीस है, क्योंकि इसके टुकड़े हैं आपके पास चालीस गुणा बत्तीस, बत्तीस में बाहर ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा चालीस बराबर जीरो, इन दोनों में से एक एक्स माइनस चालीस और ये वाला एक्स और ये प्लस के बत्तीस बराबर जीरो। अब हम क्या करते हैं, जब एक्स माइनस चालीस बराबर जीरो रखते हैं तो एक्स ये आप लोग पर मारोगे फेंक का तो क्या आगा हो जाएगा प्लस का चालीस, और यहाँ पे जब एक्स प्लस बत्तीस बराबर आप जीरो रखते हो तो यहाँ आपको मिलेगा ये प्लस का, इधर मारो फेंक का क्या आगा हो जाएगा माइनस का, ये असंभव। तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टार्टिंग में जो रेलगाड़ी वह कितनी चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूसरी बार में कितनी चलती है 40 में से 8 घटाएंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 40 है, 40 में से 8 गए 32, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये रेलगाड़ी की चाल आ जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चलन स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।